बॉलीवुड के इस लो फेस में वन ऑफ द रीजंस जो कहा जाता है कि शायद ये है कि बॉलीवुड इज नॉट मेकिंग इनफ फैमिली फिल्म्स, जो कि एक टाइम पे उसकी लेगेसी थी। अब खैर एक फिल्म आई है जो एक फैमिली एंटरटेनर होने का दावा करती है, अब क्या वो अपने इस दावे में सक्षम है? खैर इस पर आज बात होगी, क्योंकि आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म जोगीरा सारा रा रा। जाहिर है बहुत ही टाइटल थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कुशन नंदी ने, इसे डायरेक्ट किया लिखा है गालिब असाद भोपाली साहब ने, और इसमें मुख्य भूमिका नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे, उनके साथ है नेहा शर्मा, संजय मिश्रा और भी महा अक्षय चक्रवर्ती और भी एक्टर्स हैं। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कुशन नंदी, गालिब असाद भोपाली और प्रोड्यूसर किरण श्याम श्रॉफ, इस यू नो इस क्वार्टेट ने पहले एक एक फिल्म और की थी 2017 में, एक ब्लैक कॉमेडी आई थी बाबू मोशाय बंदूकबाज। उस फिल्म का अपना एक स्वाद था, इट वाज नॉट फार फ्रॉम परफेक्ट, लेकिन उसका अपना एक स्वाद था, और दैट वाज आई वुड से वेरी मच यू नो नोअर फिल्म। तो खैर अब ये जो फिल्म आई है जोगीरा सारा रा, ये कोई क्राइम थ्रिलर नहीं है, हाँ लेकिन इसके अंदर कोई आपके वाइट कैरेक्टर्स इतने हैं नहीं। तो खैर कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक जोगी प्रताप नाम का व्यक्ति है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और ये एक इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है, और फिल्म की शुरुआत होती है एक शादी से जो जो जोगी ने ऑर्गेनाइज कराई है, और उस शादी में भंग करने एक लड़की आ जाती है, वो दारू पीती है वहाँ पे और फिर नाचने लगती है और गाना गाती है कि शादी एक टॉर्चर है। अब जाहिर है लेकिन ये लड़की है कौन ये किसी को नहीं पता, और फिर पता चलता है कि ये तो कोई गेट क्रैशर है। तो ये लड़की यहाँ पे सिर्फ दारू पीने आई थी, मौत का खाना खाने आई थी, अब क्योंकि यू नो उसने ऐसा गाना गाया, माहौल खराब कर दिया, उसे खाना तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें इस महफिल से उन्हें दफा कर दिया जाता है। लेकिन दफा होते समय ये लड़की इनसे बात करती है, जोगी प्रताप से, और वो उनसे कहती है कि हम कोई शोर वोर नहीं है, बल्कि यू नो वो अपने घर से पैसे चोरी करके भागी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए, लेकिन वो नालायक आया ही नहीं मिलने, और फिर उन्होंने डिप्रेशन में बहुत सारी शॉपिंग की, फिर उनका पर्स खो गया, और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें भूख लग रही थी, तो वो इस शादी में आ गई। और खैर ये लड़की वो भी कहती है कि उन्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्हें शादी पसंद नहीं, और यही सोच हमारे जोगी प्रताप भैया के भी है, उन्हें भी शादी से नफरत है। आयरॉनिकली जब वो खुद ज़्यादातर मैरिज इवेंट्स कराते हैं यू नो और कुछ मैरिजेस तोड़ते भी है, उनका ये भी धंधा है, लेकिन उन्हें भी शादी पसंद नहीं। जाहिर है इन दोनों किरदार का मिलना यू नो वो डेस्टिनी में तय था। अब इत्तेफाक की बात है कि अगला ही क्लाइंट जो जोगी का होता है, दैट इज द फादर ऑफ दिस गर्ल, और इस लड़की जिसका नाम है डिम्पल, दैट्स प्लेड बाय नेहा शर्मा, और इनकी शादी तय हो गई है एक बहुत ही सिंपल इनोसेंट आदमी जिसका नाम लल्लू है, अभी सोचिएगा, दैट्स प्लेड बाय महा अक्षय चक्रवर्ती। और डिम्पल ऑब्वियसली यू नो वो ये शादी नहीं करना चाहती, और जब वो देखती कि जोगी यहाँ पे आया है, इससे पहले जोगी उनका भांडा फोड़े, वो उन्हें प्रस्ताव रखती है कि आप कुछ ऐसा करिए, मेरी शादी टूटवा दीजिए और जाहिर है आपको इनाम दिया जाएगा। अब पहला ही प्लान आप हैरा दंग रह जाएंगे ये सोच के, जो पहला प्लान जोगी लाते हैं और वो है सीधा इस लड़के लल्लू को मारने का। अब एक पारिवारिक फिल्म में क्या ये उचित है? आई थिंक इसका फैसला तो जनता ही करेगी। अब कहने के लिए तो ये दावा किया गया था डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने यू नो कि ये फैमिली फिल्म है, लेकिन जब जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है और इसके अंदर खासकर ये जो दो फैमिलीज है, यू नो एक तरफ है जोगी प्रताप की फैमिली और दूसरी तरफ है डिम्पल चौबे की फैमिली, आई थिंक इफ नॉट डिसफंक्शनल डेफिनेटली दे आर नॉट योर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज। अब जोगी की फैमिली की बात करूँ तो ये एक लौते भाई है अपने अपने फैमिली में, और इनकी चार बहनें हैं, इनकी मदर है, इनके पिता तो है नहीं, और ज़्यादातर इनकी मदर दैट्स प्लेड बाय जरीना भाभा और जो भी इनकी बहनें, अक्सर इन्हें हमेशा इनके कानों में रहती, चू 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 करते रहती, इसलिए वो यू नो घर पर रहना पसंद नहीं करते हैं, इरिटेट होते हैं अपनी बहनों और माओं से। और इनकी एक बुआ भी है जो भी इनके साथ रहती है, जिसका बाद में पता चलता है कि उसे बीड़ी कि वो तो बीड़ी पीती है। और दूसरी ओर चौबे परिवार है जिसके अंदर डिम्पल है एक सो कॉल्ड न्यू एज वुमन जो कि सिगरेट पीती है, शराब पीती है, और यू नो जो उसके मन में है कुछ भी बक देती है, घर से पैसे चुरा के यू नो शॉपिंग कर लेती है। और डिम्पल के जो इनकी फैमिली है, इनके अंदर जो इनकी दादी है दैट्स प्लेड बाय द लेट फारूक जाफर, और उन्हें शराब पीना और बीड़ी फूकना अच्छा लगता है।
और फिर दूसरी ओर उनके एक चाचा है जो कि बरेली की यू नो डर्टी स्ट्रीट्स में जाते हैं, बाद में इस चीज़ का खुलासा होता है। और बस ये कहूँगा कि हाँ, डिम्पल की जो माँ है वो उनसे ओपनली बातें करती थी कि आप जोगी के साथ आपका कुछ शारीरिक संबंध हुए हैं। शी यूजेज द वर्ड सेक्स, लेट्स बी ओपन अबाउट इट। बस ये कहूँगा कि ये बातें एक माँ और बेटी कर सकते हैं, जाहिर है, लेकिन ये बातें नॉर्मली फैमिली के बीच में होती है, घर के अंदर होती है, प्राइवेट में होती है। और ऐसी कॉन्वर्जेशन अगर सिनेमा के पर्दे पर आए तो क्या वो आपकी जो लार्ज मास ऑडियंस है, जो मिडिल क्लास है, फैमिली ट्रेडिशनल ऑडियंस है, क्या उन्हें ये भाएगी? आई थिंक वंस अगेन इसका फैसला वो ही करेंगे। तो आई थिंक कहना पड़ेगा कि जो दोनों फैमिलीज है, यू नो आई डोंट थिंक एटलीस्ट जो ट्रेडिशनल फैमिलीज है कि वो इन दोनों फैमिली से रिलेट करेंगे, और इनका जो केओस है डेफिनेटली नॉट। खैर, अगर परफॉर्मेंसेज की बात कर लूँ तो ये कहूंगा कि यू नो तकरीबन सभी ने अच्छा काम किया, जिसमें ऑब्वियसली नवाजुद्दीन तो है ही बेहतरीन एक्टर। कुछ साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कैसे कि ना हमेशा लोग हमेशा उन्हें अनकन्वेंशनल एक्टर कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक आम भारतीय की तरह दिखते हैं, सांवले रंग के हैं, और तो सही मायने में तो वो कन्वेंशनल हीरो है। और जो बॉलीवुड के खूबसूरत हीरो है जैसे ऋतिक रोशन, सलमान खान, कि उन्हें तो एक्चुअली में अनकन्वेंशनल हीरो का दर्जा देना चाहिए। तो खैर, आई थिंक उनकी बात बिल्कुल सत्य है, और इस फिल्म में वो एक कन्वेंशनल इंडियन हीरो प्ले कर रहे हैं। और अरे, एक अच्छी बात यह है कि नॉर्मली जब वो ग्रे कैरेक्टर्स करते हैं तो उन्हें वहाँ तो इन्हें अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल एक हीरो की तरह कैजुअल्स, यू नो ब्राइट शर्ट्स, जीन्स, जैकेट, उन्हें ये सब आपको पहनते हुए दिखा देंगे। और ओवरऑल ऑब्वियसली नवाजुद्दीन का काम अच्छा है। बाकी एक्टर्स की बात करूँ तो आई थिंक जो इसमें महाक्षय चक्रवर्ती है, मिथुन चक्रवर्ती साहब के बेटे, आई थिंक अब तक जो उनका करियर रहा है कुछ खास नहीं रहा है, और इससे पहले उन्होंने जो थोड़ी बहुत फिल्में की है, यू नो उनका हशर क्या हुआ दुर्भाग्य से वो सब जानते हैं। लेकिन आई थिंक ये कैरेक्टर है, कहना पड़ेगा कि शायद पहली बार उन्हें एक उनकी जो आवाज़ है, टोन है, या फिर जैसे उनकी पर्सनैलिटी है, उस टाइप का कैरेक्टर उन्हें मिला है। और ये जो नाम है लल्लू, यू नो बिल्कुल एक लल्लू जैसा लुक दिया है, यू नो तेल वाले बाल, बड़े बड़े काले चश्मे, मूंछ है, और हाथ में एक बैग लेके जाते हैं, स्कूटर में जाते हैं। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये आपको शाहरुख खान के सुरेंद्र सानी और रब ने बना दी जोड़ी की याद दिलाएगा, लेकिन एक बहुत फर्क है कि यहाँ पे जोगीरा में लल्लू का जो कैरेक्टर है, इट लुक्स मोर लाइक अ ब्लोटेड सुरेंद्र सानी। एक चीज और कहनी पड़ेगी कि क्या कहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है यू नो लल्लू का, और नो रब ने बना दी जोड़ी में तो अदिता चोपड़ा हैड सेलिब्रेटेड द कॉमन मैन, यहाँ पे लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट, एक कॉमन आदमी का मैं कहूँगा मजाक उड़ाया गया है, उसे जोक। इमेजिन करिए, यू नो यहाँ पे डिम्पल अपनी शादी तोड़ना चाहती है, वो जो जोगी को हायर करती है, और पहले ही उनका प्लान क्या है कि लल्लू को मार दिया जाए, यू नो टेरेस से उन्हें गिरा के मार दिया जाए। अब क्या ये फैमिली को पसंद आएगी? आई डोंट नो, यू नो बस यही कहूँगा कि आगे जाके कुछ इस फिल्म में और भी जुगाड़ है, जुगाड़ के ऊपर जुगाड़ है, और एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, और बस फिर तो ये कहानी स्टोरी बस सच कहूंगा कि बस एक खिचड़ी बन के रह जाती है। हाँ, बस इतना है कि ओवरऑल परफॉर्मेंसेज सभी का काम अच्छा है, यू नो नवाजुद्दीन हो, महाक्षय चक्रवर्ती हो, और खासकर जो उन्होंने अपने पिता के आई एम अ डिस्को डांसर सॉन्ग पे डांस किया, एक कॉमिकल डांस है ऑब्वियसली, स्क्रिप्ट की वो डिमांड थी, वो उन्होंने अच्छा किया है। ये जरूर कहूंगा कि ये उनके करियर का सबसे बेहतरीन रोल है। बाकी एक्टर्स में संजय मिश्रा है, जो कि एक टाइम पे एक ड्रेडेड डॉन थे, चाचा चौधरी, और राजा चौधरी अब यू नो बिजनेस मंदा है, और इस बात का वो बार बार रोते हैं और कहते भी हैं कि देश की हालत ठीक नहीं है, और जाहिर है आई थिंक दीज आर सटल पॉलिटिकल डिक्स टू ऑल दोज पीपल हु प्रोमिस्ड अच्छे दिन। और खैर, जो इनकी बहने का जो नवाजुद्दीन की बहनों का कैरेक्टर्स प्ले कर रही है, वो सभी एक्टर्स, उनका काम अच्छा है। और आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज आपको इसमें यू नो सिवाय नेहा शर्मा के बाकी सब ने अच्छा काम किया। खैर, नेहा शर्मा आई थिंक वो भी काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में है, और अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि आई थिंक शी इज़ येट टू फाइंड यू नो हर कॉलिंग इन बॉलीवुड। आई थिंक सवाल यही आ जाता है एंड में कि ये स्टोरी क्या है, राइटर गालिबा से भोपाली साहब ने उनके मन में क्या था, और ये जैसी फैमिलीज इन्होंने दिखाई है, अब हमें नहीं पता कि वेदर यू नो दीज टू फैमिलीज इज देयर एनी सम काइंड ऑफ रेफरेंस टू द डायरेक्टर और द राइटर, ये तो खैर वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है, ये कहानी, ये स्क्रीन प्ले, ये आपकी मास ऑडियंस जो खासकर ट्रेडिशनल ऑडियंसेज है, मिडिल क्लास है या लो इनकम ग्रुप्स है, शायद उन्हें इतना ये नहीं भाएगी। खैर, रेटिंग की बात करें तो हम भी देते हैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार।